नमस्कार। आज का दिन रविवार है, संडे। तो हम देखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए संडे क्या बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिन है आज कि आपने जो भी अपनी कमिटमेंट्स इस हफ्ते करी थी उनको रिकंसिडर करने का टाइम है, ताकि आप जो आगे का जो हफ्ता आ रहा है आप उसमें क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उनकी एक सूची ज़रूर बनाएं। आज का दिन थोड़ा सा मूडी हो सकता है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो सकता है, थोड़ा सा ये लग सकता है कि हमें इंजॉय करना चाहिए, आई शुड गो आउट। सो इट्स अ गुड डे, जैसा भी आज आप सोचेंगे, ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस डे। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज के लिए एम्परर आया, विच मीन्स कि थोड़ा सा डिसिप्लिन आने की ज़रूरत है, विच मीन्स कि हो सकता है कि आज आप अगर कोई चीज़ आपने आज सोची थी मुझे अचीव करना है और आप लेज़ी फील कर रहे हैं, तो अपने आप को रिफोकस करने का टाइम है। और ये भी टाइम है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है तो इट्स टाइम टू एक्सेप्ट एंड से थैंक यू टू देम। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए द स्टार है, विच मीन्स अ वेरी गुड डे। आप इंजॉय करिए, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके दो दो प्लान्स हैं, आप वो भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर उतनी एनर्जी है, आप ज़रूर करिए। एंड टाइम जहाँ पे आप प्रोकेस्ट नहीं करें, मतलब कि आप नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी अगर अचीव करना चाहेंगे आज, तो आज ब्यूटीफुल डे है आपके लिए। नेक्स्ट इज़ जेमिनी। जेमिनी के लिए ये एडवाइस है कि जो भी चीज़ें आप डिसाइड करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड डे टुडे। अगर आप फील कर रहे हैं कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ के कुछ नया चीज़ करना चाहता हूँ, तो भी बहुत बढ़िया है, बट यू हैव टू डिसाइड। यू कैन नॉट बी फीलिंग कि आई विल डू इट, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। आइडिया इज टुडे यू डिसाइड आपको क्या करना है, अपनी नई धारणाओं को, अपनी नई पद्धति को, अपनी नई जगह को, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं उसके लिए आज डिसाइड करिए। नेक्स्ट इज़ कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि अगर आपने कहीं जाने के प्लान्स कर रखे थे, अगर हो सके तो ये हो सकता है कि आप ना जाएं, तो उसके लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी और के साथ नए प्लान्स बना सकते हैं एंड यू कैन स्टिल हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट इज़ लियो। लियो के लिए एडवाइस ये है कि हो सकता है कि आपको आज थोड़ा सा फील बैड कर रहा हो, आज आप लोनली फील कर रहे हो सकता है कि आपने जिसके साथ सोचा था कि आज मैं टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, उनके साथ कुछ हो गया और वो उन्होंने आपको डिच कर दिया, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, समथिंग बेटर इज़ न्यू वे इज़ कमिंग। तो आप हो सकता है कि आज शायद कुछ उस एंड होने तक आपके पास कुछ नए प्लान्स आ जाएँ, सो हैव अ पॉजिटिव माइंड टुडे। नेक्स्ट इज़ वर्गो। वर्गो के लिए मैजिशियन आया है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, विच सेज़ कि जहाँ पे हैं उसी को इन्जॉय करिए। तो आज का दिन जहाँ पे भी आप हैं उसको इन्जॉय करिए, उसको अचीव करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मूवी देखना चाहते हैं, कहीं कोई नया प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो आज जहाँ पे आप हैं, जो चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं आज, उसको इन्जॉय करने का डे है। नेक्स्ट इज़ लिब्रा। लिब्रा के लिए एडवाइस ये है कि अगर आपके पार्टनर को आपने कुछ कह दिया था, तो आज उनको बाहर ले जा सकते हैं, उनके लिए आप कुछ नया कर सकते हैं कि उनको अच्छा लगे, उनके लिए आप कुछ अगर हो सके तो एक चाय भी बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू केयर फॉर समवन। एंड आज डांस का भी डे है, तो अगर आप चाहें तो शाम को उनको कहीं इवनिंग में कहीं लेके जा सकते हैं, यू विल हैव अ ब्यूटिफुल डे। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है कि आप जो करना चाहते हैं आपको सब मालूम है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। द ओनली थिंग इज़ कि शायद आज आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या आप अपने आप को राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। सो टुडे इज़ अ डे टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू इट, यू नो वॉट यू वॉन्ट, बट यू नाउ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। आपको अब करना पड़ेगा, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, अगर आप चाहें तो आज अपने लिए अच्छे से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छे से तैयार होकर कहीं जा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड डे अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, कोई आप अपने लिए बहुत दिन से सोच रहे थे कि आई वॉन्ट टू गो एंड गिफ्ट माई सेल्फ समथिंग, सो इट्स अ ब्यूटिफुल डे टू डू दैट। और अदरवाइज अगर आप रिलैक्स भी करना चाहें तो भी बहुत बढ़िया दिन है। नेक्स्ट इज़ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए एडवाइस है, हो सके तो आज आप अपने ओपिनियंस को लेके इतना पर्सनल मत होइएगा, हर एक का अपना ओपिनियन होता है,
आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट टेल पीपल दैट आपको मेरी चीज़ माननी पड़ेगी. तो कभी कभी लिसन करना और सुनना भी ज़रूरी होता है. तो अपना आप ओपिनियन दे सकते हैं, उसके बाद आप उसको दूसरे आदमी को देखने दीजिए कि उनको कैसा लग रहा है. एंड नेक्स्ट इज़ एक्वेरियस. एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है, हो सकता है कि आपको अंदर से बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन आप अपने सामने वालों को दिखा रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कभी कभी एक्सेप्ट करने में भी कोई हर्ज नहीं है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, इट इज़ ऑल राइट. सो एंड यू कैन ऑल्सो इन्जॉय द डे बाई टेलिंग एवरीवन कि ठीक है, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यू कैन हैव अ गुड डे ऑल्सो. सो आज का दिन आप देखने में और लिसन करने में भी बिता सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस के लिए एडवाइज़ है कि कोई भी चीज़ आज ना करें, आज आप रिलैक्स करें, आज इन्जॉय करें. कोई भी अगर आप कोई नया चीज़ करना चाहते थे, ज़रूरत नहीं है. आज आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं. जिन लोगों से मिले नहीं हैं बहुत दिन से, संडे भी है, अगर वो लोग अवेलेबल हैं तो यू हैव फन, गो आउट इन द इवनिंग और फॉर अ ब्रंच और अ लंच एंड हैव अ ग्रेट डे. मैं आशा करती हूँ आप सब लोग का संडे आज बहुत अच्छा निकलेगा. सो हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.